तो गाइस आज की वीडियो हमारी होने वाली है आरसी को लेकर और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कि हम आरसी और अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे वर्चुअल में कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के जरिए बताऊंगा जिसका नाम है एम परिवहन। इस ऐप के थ्रू आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वर्चुअल में बना सकते हैं और अपनी आरसी है जो वर्चुअल बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से पैद होगा और आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी किस तरीके से वर्चुअल में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। प्ले स्टोर से आपको एम परिवहन ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको आगे बढ़ जाना है और फिर आपको अपनी लैंग्वेज जिसमें चूज़ करनी है। चूज़ करने के बाद हमें कंटिन्यू पे ओके करना है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन आएगी। जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपके पास आ जाएगी। इसमें आने के बाद आपको पहले इसमें अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो हमें इसमें एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ साइन इन लिख के आ रहा है, हमें साइन इन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके इंटरफेस आएगा, फिर आपको नीचे सिंग अप जो लिख के आ रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर अपना यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के लिए बाद यहाँ क्लिक करके और आगे बढ़ जाना है। फिर आपके पास एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, नाम डालने के बाद आपको सिंग अप कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आपको डैशबोर्ड और आरसी डैशबोर्ड और DL डैशबोर्ड दिख रहा होगा। तो हमें RC डैशबोर्ड पे ओके करते हैं और यहाँ पर एंटर RC नंबर डालते हैं। तो आपकी RC पे आपका RC नंबर लिखा होगा, उसे डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके की आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद ऐड टू डैशबोर्ड पे ओके करेंगे और यहाँ पर अपना जो चेचिस नंबर है हमें वो डालना है, वो भी आपकी RC पे लिखा होगा। और यहाँ पर अपना इंजन नंबर डालना है नीचे वाले में और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी जो RC है वो आ जाएगी और आपके सामने एक QR कोड भी आ जाएगा जिसे स्कैन करने के बाद आप किसी को भी चेक करा सकते हैं। अगर चेकिंग में चेक कराना चाह रहे हैं तो वहाँ भी इसे चेक करा सकते हैं। अब बात आती है हमारे DL की, तो हम DL डैशबोर्ड पर ओके करेंगे। यहाँ आने के बाद हमें इंटर DL नंबर डालना है अपना, जो हमारा DL ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। फिर वही सेम करना है, ऐड टू डैशबोर्ड यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद वेरीफाई कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। देख सकते हैं डैशबोर्ड में यहाँ पर हम आ चुके हैं और हमारी दोनों चीज़ें यहाँ शो कर रहे हैं, जो हमारी ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी और हमारा RC भी। और यहाँ पे हम आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस क्लिक करके दिखाते हैं। ये देखिए ये QR कोड आ रहा है, तो आप इसे चेकिंग में भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर डिलीट करना चाहते हैं, ये डिलीट वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कोई भी करेक्शन करवाते हैं तो आप करेक्शन करवाने के बाद ये जो अपडेट वाला ऑप्शन आता है, ये रिफ्रेश वाला, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है यहाँ पर भी रिफ्रेश हो जाएंगी करप्शन के बाद। देखिए यहाँ पर अपलोडेड हो गई है सक्सेसफुली और यहाँ भी आपकी सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी वर्चुअल RC और वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और दोस्तों का शेयर कर दें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें।